सो हेलो एवरीवन, हाँ वेलकम टू नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर सी जी एस टू पेपर, या आप कह सकेंगे सी सेट। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कुछ मत करो, बेल आइकन दबा दो, लाइक और शेयर कर दो, फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, जब कभी ओकेजनली या मतलब जैसे कभी भी आपका एग्ज़ाम थोड़ा डिले होता है ना, तो हमारे साथ क्या होता है, हम थोड़े से रिलैक्स मोड में आ जाते हैं हमेशा, और यही गलती होती है, याद रखना। जब आप ये सोच लोगे ना अभी टाइम है अभी कर लेंगे, जब गलती होती है, और ये गलती हम आपको नहीं करने देंगे, क्योंकि अब ऐसा टाइम है कि जो बच्चे अब लगातार पढ़ेंगे ना वही आगे जाएंगे। अभी है समय, मैं कभी भी कहूँगा अभी है समय, क्योंकि मई के बाद अब हमारा एग्ज़ाम, मई के एंड में एग्ज़ाम नहीं हमारा, समझा की बात। तो हमारे पास अभी पूरा मौका है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम पूरे बैच को कवर कर सकते हैं, जो नंबर वन प्लेटफॉर्म अभिमन्यु आईएएस के द्वारा लॉन्च हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। क्लियर? आज मेरा पीवाई का सेशन 14 है। क्लियर? कल के सेशन में आपने देखा बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन थे और ये अलग टाइप के क्वेश्चन क्या हैं, ये अपकमिंग टाइम के क्वेश्चंस हैं। आज आप देखोगे आज भी बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्लियर? तो प्लीज़ जुड़िए इनके साथ, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आप जुड़िए हमारे साथ, तब आपको पता चलेगा कि क्या आप लोग प्राप्त करेंगे यहाँ से। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो प्लीज लाइक कर दिया, शेयर सब्सक्राइब, चलो बढ़िया है। चलिए, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 10 ईयर इज नाउ इज 2 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। देखो क्या दिया, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ मनी, मतलब कुछ मनी है, वी डोंट नो वो कितना कितना पैसा है, ठीक है? द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 10 ईयर इज 2 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। देखो वो 2 टाइम है प्रिंसिपल का। अब ध्यान से सुनो, कुछ लेने की जरूरत नहीं, 150 एक दो तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सपोज करो प्रिंसिपल आपका पी था, ठीक है? आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना, 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी कितना मिला, 2p मिला, ठीक है? तो ये कितना हो गया, 3p हो गया। ये p था, ये कितना हो गया मेरा, 3p हो गया। क्लियर? एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, यही इस क्वेश्चन की अच्छी बात थी, सब कुछ दिया हुआ। वट वुड बी द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, 3 ईयर दिया होता तो 3 की बात भी कर लेते, 4 दिया होता 4 की बात भी कर लेते। चलिए देखते हैं जरा। देखो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी अगर मैं इसको 100 मान लूँ तो डेफिनेटली 3 हो गया, 300। छोड़ो 100, मैंने मना किया था, 100 हम नहीं मानेंगे। तो यानी मैं क्या कहूँगा, जो पी था वो कितना हो गया, 3p, यानी 2p का इंटरेस्ट मिला कितना पी पे इंटू ऑफ 100%, तो यानी कि 200% आया। ये क्या है एक्चुअली, व्हाट इज 200%, ये 200% मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरे पास, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 10 इयर्स इज 2 टाइम्स। इसका मतलब टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, क्या ये होता है, यस यही तो होता है। अब ये मुझे दिया 200, क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर मैंने निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर निकालना है, और स्टूडेंट यहाँ पे टाइम कितना दिया मुझे, ऑब्वियसली 10 ईयर्स, तो बहुत इजीली मेरा निकल चुका है, तो कितना आ गया, 20% पर ईयर, ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं एनुअली की बात करता हूँ। क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा, 20% पर ईयर। अब मेरे ध्यान से बात सुनिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब मुझे अगर सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ दो, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और मुझे रेशो बताना है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का, नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल है, देखो 20% आ गया, तो 20% की स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, क्या मैं 1/5 बोलूंगा, यस बिल्कुल। अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकालना चाहूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकालना चाहूँ, कैसे निकालूंगा, कि जो फर्स्ट ईयर में 5 वैल्यू थी वो कितनी होगी, 6, सेकंड ईयर में 5 थी वो कितनी होगी, 6, यानी जो वैल्यू 25 थे स्टूडेंट्स वो कितनी हो चुकी है मेरे पास, जो 25 थे वो 36 हो चुकी है, बिल्कुल ईजिली हो चुकी है। यानी आप क्या कहोगे कि 11 रुपये का इंटरेस्ट मिला कितने पे, 25 पे गुना ऑफ 100%। क्लियर? ये आपने नहीं भी करना, क्या बोला है, व्हाट वुड बी द रेशियो प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, छोड़ दो इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट का जब मुझसे रेट नहीं पूछा तो मुझे करना भी नहीं है। मुझसे क्या पूछ रहा है वो, किसका डिफर, किसका प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो आपके पास अमाउंट नाम की एक चिड़िया का जिक्र हुआ है यहाँ पे, अमाउंट देखो, अमाउंट क्या होता है आपके पास, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ मैं। क्लियर है? जैसे सिंपल इंटरेस्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर है,
कि सिंपल दिया तो सिंपल, कंपाउंड दिया तो कंपाउंड। इसका मतलब अगर मेरे पास 25 प्रिंसिपल है तो 11 क्या होगा, यानी 25 अगर प्रिंसिपल है तो 11 मेरे पास क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आंसर क्या आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो चैनल दोनों को, बिकॉज आप जुड़ रहे हैं नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर सीएस सीसेट एग्जाम और यू कैन से दैट जीएस पेपर टू। क्लियर, तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, चाहे वो आपका फुल कोर्स का लिंक हो स्टूडेंट, चाहे वो वार्म अप कोर्स का हो, चाहे वो आपका माइक्रो कोर्सेज का हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का हो, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ रहे हैं। चलिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लेवल का भी। चलिए, एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर अ मोटरसाइकिलिस्ट कैन कैच द ट्रेन लास्ट बोगी, मतलब अगर लास्ट बोगी ऐसे तो मोटरसाइकिल वाला यहां पहुंच गया। क्लियर, ठीक है। रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 3 hours एंड ही पासिस द ट्रेन कंप्लीटली इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 meters, देन हाउ मच डिस्टेंस डिड द ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम द टाइम वेन मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्टेड चेजिंग इट। बताइए क्या आंसर है इसका। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसे कहूंगा ये आपके एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में आया नहीं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एग्जामिनर तो डेफिनेटली मैं ऐसा क्वेश्चन डालूंगा, क्योंकि बच्चे स्पीड टाइम डिस्टेंस थोड़ा हल्के में लेते हैं। चलो देखो, स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल कितना दिया मुझे, 60 किलोमीटर पर आवर ये दिया। कैन कैच द ट्रेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन 3 hours। देखो अगर मैं बेसिकली बात करूं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस इन 3 hours, बेसिकली अगर मैं बात करूं डिस्टेंस इन 3 hours कितना होगा मेरे पास टोटल, मुझे वहीं से पता चलेगा 200 मीटर क्रॉस कर रहा है वो। क्लियर है। अच्छा अगर देखो ट्रेन भी चल रही है, मैंने माना ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड कितनी मेरी x किलोमीटर पर आवर, और डेफिनेटली जो मेरे पास ट्रेन की स्पीड है ना वो मेरे पास क्या होगी, कम होगी मोटरसाइकिल से, क्योंकि मोटरसाइकिल ने क्या कर लिया, इसको टोटली कवर कर लिया है। समझ आ गई बात, टोटल कवर कर लिया। अब कितना कवर किया, कैसे कवर किया, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें देखना ही पड़ेगा। क्लियर। चलो देखो जरा, अगर 3 घंटे में 180 की बात छोड़ो, देखो जब मोटरसाइकिल इसकी स्पीड एक्स है और ये चल रहा है 60 की स्पीड से, ये एक्स किलोमीटर पर आवर है, और जो मोटरसाइकिल वाला बंदा है या मोटरसाइकिलिस्ट है उसने 15 मिनट में इसको क्रॉस कर लिया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव लॉस इन टू टाइम, टाइम सेकेंड्स में लेना है। डिस्टेंस कितना है मेरे पास, जो ट्रेन ऑफ जो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी 200 meters। क्लियर। अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 60 - x (5/18) × 15 × 60, यस और नो। बिल्कुल सही बात, ये चीज समझो, ये चीज जानो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो देखो 6, अच्छा अगर मैं इसको काटना चाहूँ 6 × 10 × 6 = 18 = 5, तो ये कितना हो गया 10 × 50 4 times। क्लियर। तो ये मेरे पास कितना है, कुछ बचा है मेरे पास 4 times 4/5, देखो ये कितना आ गया 4/5 = 60 - x, तो x कितना आ गया 60 - 0.8, यानी कितना 59.2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। ये क्या आ गया मेरे पास स्पीड ऑफ दी ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने x ही माने थे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 59.2। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अब मुझे क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम द टाइम वेन मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्टिंग चेजिस, तो टोटल टाइम कितना है मेरे पास, 3 hours + 15 minutes, 15 minutes, 15/60 यानी 1/4, यानी 3 + 1/4 यानी कितना 13/4 hours। ये समझने वाली बात है, क्योंकि 15 मिनट को बच्चे एक्सक्लूड कर जाएंगे कि नहीं 15 मिनट नहीं है, 15 मिनट है, क्योंकि मेरे पास क्या है, अब डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो कितना डिस्टेंस कवर किएंगे, कवर करेंगे हम 59.2 × 13/4, क्या ये माइनस होगा, बिल्कुल होगा, 60 - 0.2 है ये, तो ये कितना होगा 15 point, देखो ये कितना है मेरे पास, अगर बेसिकली से काटो 4 × 4 = 1, 9 × 4 = 16, 3 × 2 = 14.8 आएगा, 14 × 2 = 56, 56 + 3.2 तो 13 × 14.8, ठीक है, तो 13 × 14 कितना होगा 182, 13 × 8 = 52, 10.2 तो 10.2, तो ये कितना होगा 192.4,
हाँ 10.4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 192.4 इज द राइट आंसर, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोबारा कैलकुलेशन चेक करो, 13 गुना, देखो 13 गुना कितना करना है मुझे, 13 गुना 0.8 करना है मुझे, तो 80 प्लस 24 कितना आया, 10.4, बिल्कुल 10.4 वो, तो 192.4 इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, और नहीं किया तो कर दीजिए, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, चाहे वो माइक्रो कोर्स का हो, चाहे फुल कोर्स का हो, चाहे आपके वार्म अप कोर्स का हो, चाहे आपके व्हाट्सएप ग्रुप का हो, क्लियर। एट प्रेजेंट 5 times द एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 3 times द एज ऑफ रॉकी। अच्छा, एट प्रेजेंट 5 times द एज ऑफ राहुल इज 3 times द एज ऑफ रॉकी, कैसे करेंगे इसे, 5 times एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 3 times द एज ऑफ रॉकी, कि अगर इनकी राहुल की एज 3 times है तो रखिए 5 times है, तो इनकी एज का रेशियो कितना, 5:3। अगर मैं बेसिकली बात करूं, मेरे पास राहुल है रॉकी है, ठीक है, इनकी एज का मुझे रेशियो दे रखा, कितना दे रखा रेशियो, राहुल अगर 3 है तो रॉकी 5 है, देखो ये क्या है, अगर ये 3x है तो ये कितना 5x है, आप सुनो जरा ध्यान से, वो क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट 5 times द एज ऑफ राहुल, कि अगर इसका 5 गुना इज इक्वल टू 3 times द एज ऑफ रॉकी, इसका 5 गुना इसके 3 गुने के बराबर है, इसका 5 गुना 15, इसका 3 गुना 15 बराबर आ गया, क्लियर। तो ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखिए, द एज ऑफ रॉकीज वाइफ इज 5 years लेस देन रॉकी, तो अगर रॉकी की मैं वाइफ की बात करता हूँ इनकी, तो ये कितना गया 5x-5, ये आ गया 5x-5 आ गया, लेस देन द एज ऑफ रॉकी, ठीक है, 5 years ago, अब 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 years ago द रेशो ऑफ द राहुल एंड रॉकीज वाइफ, राहुल की 5 साल पहले की एज कितनी होगी, 3x-5, और इनकी वाइफ की कितनी होगी, 5x-5-5, यानी कितना 10, और इनका रेशो कितना दे रखा है, यानी 3x किस किस का दे रखा है मेरे को, राहुल एंड रॉकीज वाइफ, यानी 3x-5 अपॉन 5x-10 इज इक्वल टू हाउ मच, 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो 3 times ऑफ 3x-5 इज इक्वल टू 2 times ऑफ 5x-10, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, देखो 9x-15 इज इक्वल टू 10x-20, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं बोलूँ 10x-9x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ जाएगा -15+20, तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी होगी 5, क्लियर। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गया, क्या बोल रहा है, दैट द प्रेजेंट व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ राहुल रॉकी एंड हिज वाइफ, राहुल की एज कितनी है, 3×5=15, अच्छा रॉकी की एज कितनी है, 5×5=25, और इनकी वाइफ की एज कितनी है, 25-5 कितना हुआ, 20/3 60/3 कितना आ गया आपके पास, 20, ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए जल्दी से, और जुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अच्छा क्वेश्चन आपके पास ही रहेगा, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बेस गो डाउन स्टोरेज रूम इज इन द रेशो 3:5:4 रिस्पेक्टिवली, इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द गो डाउन इज 300 square meters, मतलब आपको क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द फ्लोर, कि जो आपके पास फ्लोर है नीचे वाला उसका एरिया कितना दिया है 300 square meters, देन हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट ऑल द सर्फेस ऑफ द गो डाउन, एक्सपेक्ट द फ्लोर ऑफ द रेट एट ₹2.5 per square meter, बताइए क्या आंसर है इसका, बताइए प्लीज क्या आंसर है इसका, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ गो डाउन इज 3, 4, 5, देखो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कितना दिए 3x, 5x, and 4x ये दिए, देखो वो कह रहा है इफ द एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर देखो क्या होगा, लेंथ ब्रेथ यानी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कितना, एल इंटू बी कितना दिया है 300 दिया है मुझे, यानी 3x × 5x इज इक्वल टू 300 दिया है मुझे, तो 5×15=20, तो यानी x² की वैल्यू कितनी आ गई 20, अभी अंडर रूट में है मत लेके जाओ, x² डायरेक्टली आपका यूज आएगा,
जब तक अननेसेसरी कंडीशन ऐसी मत लगाओ जब तक आपको जरूरत ना हो, इसको ऐसी रहने दो। अच्छा क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द गोडाउन इज 300 स्क्वायर मीटर देन हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट ऑल द सर्फेस ऑफ द गोडाउन एक्सपेक्ट द फ्लोर, मतलब फ्लोर को पेंट नहीं करना, चारों दीवारें और आपकी टॉप, यानी कर्व सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप, यानी आपको क्या करना है, कर्व सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, ये मुझे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। अब कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है आपका, टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी, क्लियर, समझ आ गई बात, ये चीज आपको बस करनी है, क्लियर। तो जल्दी से करिए, बताइए मुझे क्या आ रहा है आपका आंसर, जल्दी से करिए। देखो ये तो अपने को जो एरिया ऑफ फ्लोर है और एरिया ऑफ द टॉप है 300 ही रहेगा, फिर भी देख लेते हैं। देखो लेंथ कितनी है अपने पास 3x प्लस ब्रेथ कितनी है 5x और इनटू हाइट कितनी है मेरे पास 4x, इसका टू टाइम्स, ओ सॉरी इसका टू टाइम्स नहीं, इसके साथ ही है टू टाइम्स, ठीक है, प्लस एल इंटू बी, एल इंटू बी कितना है, एल इंटू बी कितना है मेरा, सॉरी एल इंटू बी 3x इंटू 5x, देखो बराबर ही आएगा वो 311 15 × 30, ठीक है। आप देखो जरा ये कितना है मेरे पास, 5 6 7 8 4 12 सॉरी 8 16 16 × 4 64, देखो 5 3 8 और ये कितना है 8 और 8 64 64x² प्लस ऑफ ये कितना आ गया 15x², तो ये कितना हो गया 17x² हो गया, क्लियर। तो x² की वैल्यू कितनी है 20, तो 79 × 20 आ गया, ये मेरे पास क्या गया एरिया। और एक क्या बोल रहे हैं, 1² सेंटीमीटर के लिए कितना 2.5, तो इसके लिए क्या होगा 2.5 का मतलब 5 बटे, तो इसको क्या करो 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 79 × 50 आ गया, 7 × 5 = 35, 3500, 9 × 5 = 45, 450, 3950, ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस कहाँ मिल रहे हैं, नंबर वन प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई डाउट हो ना 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल कर लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, चैनल और वीडियो दोनों को, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं मैं। पल्लवी गॉट मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन द रेशियो 4:5 रिस्पेक्टिवली, इन केमिस्ट्री हर मार्क्स वर 30 मोर देन दैट ऑफ फिजिक्स एंड द एवरेज ऑफ मार्क्स रिसीव्ड बाय हर इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टुगेदर वॉज 180, हाउ मेनी मार्क्स डिड शी गेट इन मैथ्स, बताइए मैथ्स में कितने मार्क्स हैं। पल्लवी गॉट मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन रेशियो, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स इसमें 4x और 5x, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन केमिस्ट्री हर मार्क्स वर 30 मोर देन फिजिक्स, मतलब इसकी इसका डिफरेंस कितना था 30, तो उसका मतलब फिजिक्स में कितने थे 120, केमिस्ट्री में कितने थे 150 थे, क्लियर। एंड द एवरेज ऑफ मार्क्स रिसीव्ड बाय हर इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टुगेदर वॉज 180, मतलब जब उन्हें फिजिक्स के मार्क्स देखे प्लस उसने केमिस्ट्री के देखे उसने मैथ्स के देखे और इसको किया 3 से डिवाइड, तो वो कितना आता मेरे पास, वो आता मेरे पास 180, क्लियर। तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स कितना दिया मुझे 540 दिए, बट यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स मेरे पास हैं, हाउ मेनी मार्क्स डिड शी गेट इन मैथ्स, तो बिल्कुल सिंपल था मैथ्स में कितने मुझे ये बताने थे, तो ये कितना हो गया 120 प्लस 150 प्लस मैथ्स इज इक्वल टू 540, तो मैथ्स कितना आ गया 540 माइनस 270 हाउ मच 270, ऑप्शन नंबर ए वाज द। तो होपफुली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा, माइक्रो कोर्सेज का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फुल कोर्स का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री वार्म अप कोर्स का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फटाफट नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन प्रतीक्षा करता हूं हमारी। चलिए अमित सेल्स अ कंप्यूटर टू भानु एट अ लॉस ऑफ 10%, ये क्वेश्चन के लिए मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, ट्राई कर लो। जल्दी ट्राई करो प्लीज। अमित सेल्स अ कंप्यूटर टू भानु एट अ लॉस ऑफ 10%, हु सेल्स टू चमन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%,
आफ्टर फाइंडिंग सम डिफेक्ट चरण रिटर्न इट बैक टू भानु बट कुड ओनली रिकवर ₹4 फॉर एवरी ₹5 ही हैड पेड इफ अमित अमाउंट रिसीव्ड बाय चरण वाइल रिटर्निंग द कंप्यूटर टू भानु ओके अच्छा अमित हैड पेड 90,000 फॉर कंप्यूटर देखो मेरी बात सुनो सबसे पहले अमित ने क्या किया भानु को बेचा ये इनिशियल और फाइनल ये सेम क्वेश्चन है जो आप पॉपुलेशन करते हो कि पॉपुलेशन पहले साल इतनी इंक्रीज होगी दूसरे साल इतनी डिक्रीज होगी ठीक है क्या बोल रहे हैं लॉस पहला लॉस है तो 10 की चीज कितने में है 9 में क्लियर हु सेल्स टू चरण एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% 20% का मतलब यानी 5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 है क्लियर आफ्टर फाइंडिंग सम डिफेक्ट चरण रिटर्न इज बैक टू भानु बट कुड ओनली रिकवर 4 फॉर एवरी 5 मतलब अगर उसने ₹5 दिए थे तो उसको 4 ही वापस मिले बड़ा इफेक्टिव सा तरीका नहीं बताने का कि भाई उसको पैसे कैसे मिले परसेंटेज में नहीं बताया एग्जामिनर एग्जामिनर ने क्या बोला कि अगर आपने ₹5 दिए था तो बदले में 4 ही मिले आपको समझ आ गई बात इसका मतलब स्टूडेंट क्या है 1/5 × 100% यानी 20% का लॉस यानी 5 की चीज कितने में स्टूडेंट 4 में देख लो पहले वाला क्या था पहले वाला लॉस था दूसरे वाला प्रॉफिट था तीसरे वाला भी मेरे पास क्या था लॉस था क्लियर चलो देखो ये कितना हो गया 25 और 10 250 हो गया ये कितना हो गया 9 × 54 54 × 4 कितना हो गया 216 यानी जो 250 वैल्यू थी वो कितनी हो गई मेरे पास 216 होगी 250 थी वो 216 रहेगी अब मुझे क्या बोल रहा है इसका मतलब शुरू की वैल्यू ये होती है मेरे फाइनल की वैल्यू ये होती है स्टूडेंट 250 की वैल्यू कितनी दी है 90,000 यानी ए की वैल्यू कितनी है 25 1800 360 तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 360 यूनिट इज दैट क्लियर ए की वैल्यू कितनी है 360 तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है 360 इंटू ऑफ 216 देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये क्या है मेरे पास 200 + 10 + 6 ये एक्चुअली में ये है देखो 360 को 200 से करोगे 72,000 आया क्लियर जितना ईजी हो सके कैलकुलेशन को उतना ईजी रखना है हमने अच्छा 3600 × 10 कितना 360 × 10 कितना है 3600 अच्छा फिर कितना बचा 360 × 6 36 × 6 216 यानी 2160 तो ये कितना आ गया मेरे पास एंड में 60 7 3 4 5 6 7 777760 ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर 777760 क्लियर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब होपफुली आप कर ही चुके हैं नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने दिया गया है क्लियर जल्दी से नोट कीजिए लास्ट क्वेश्चन प्रतीक्षा कर रहा मेरी ये सारे अपकमिंग क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे आपको एग्जाम में बता रहा हूँ मैं फिर मत कहना चलिए जी अ स्टूडेंट रीड्स 3/8 ऑफ अ नोवल ऑन फर्स्ट डे एंड 4/5 ऑफ रिमेनिंग ऑन द सेकेंड डे इफ द नंबर ऑफ अनरीड पेजेस ऑफ द नोवल स्टिल इज 40 देन हाउ मेनी पेजेस डिड द नोवल कंटेन बताओ इसका मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट कोई नोवल के पेजेस है मुझे नहीं पता कितने पेजेस है नंबर ऑफ वो कह रहा उसे 3/8 है देखो 3/8 पहले क्या दिया 3/8 फिर कितना दिया 4/5 यानी 8 और 5 कैल्शियम कितना आ गया 40 मैंने माना कि मेरे पास 40 पेजेस हैं शुरू में लेट मैंने कर लिया कितने पेजेस हैं 40 पेजेस हैं क्लियर आज स्टूडेंट रीड 3/8 यानी इसका 3/8 8 × 5 = 40 5 × 15 = 15 रीड आउट कर लिया अच्छा ऑन डे 1 एंड 4/5 ऑन द रिमेनिंग ऑन द सेकंड डे रिमेनिंग कितने 25 इसका कितना 4/5 × 5 = 25 5 × 20 25 में से 20 रीड कर लिए और रिमेनिंग कितने बचे 5 बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यहां पे क्वेश्चन ने चेंज कर दिया कितना है 5 की वैल्यू कितनी दी स्टूडेंट 40 1 की वैल्यू कितनी दी है 8 तो 8 × 4 कितना 32 यानी 320 ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर क्लियर तो क्या कहेंगे ऐसे प्रश्नों और ऐसे उत्तर के बारे में और ऐसे एक्सप्लेनेशन के बारे में ऐसे एक्सप्लेनेशन माइक्रो कोर्सेज के अंदर देखिए बिल्कुल एक्सप्लेन करके अच्छे से बिल्कुल धीरे से प्यार से बच्चों को जरा समझाए हुए एकदम कि आपको एकदम क्लिक हो जाए क्वेश्चन तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जल्दी से अवेल कीजिए और अगर कोई डाउट हो तो 9 5 1 777 1 6 5 1 कॉल करो व्हाट्सएप करो कोई डाउट हो वही भेज सकते हो कोई दिक्कत नहीं नोट कीजिए फटाफट चलिए
चलिए, 10 मैन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट एट द एंड ऑफ एवरी डे फ्रॉम द डे वन डे फर्स्ट वन मैन लेफ्ट द वर्क इन दिस वे दे कंप्लीट द टोटल वर्क इन 8 डेज इफ द एफिशिएंसी ऑफ वन वुमेन इज 25% लेस देन दैट ऑफ वन मैन देन हाउ मैनी वुमेन कैन कंप्लीट द ट्रिपल ऑफ द वर्क इन डबल ऑफ द टाइम. तो टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा अपकमिंग क्वेश्चन है. टाइम एंड वर्क देखिए, 10 मैन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट एट द एंड ऑफ एवरी डे फ्रॉम द फर्स्ट डे वन मैन लेफ्ट द वर्क. देखो मेरे पास क्या है, मैंने मानना कि एक मैन एक यूनिट का काम कर रहा है, ठीक है, 8 डे के बाद. तो मेरे पास कितने काम है, 8 दिन, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 एंड डे 8, ठीक है. देखो सबसे पहली बात क्या दी है, डे 1 पे कितने बंदे काम कर रहे हैं, 10, एक छोड़ के चला गया, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, यही हो रहा है. उसने बोला कि मैंने माना कि कॉन्स्टेंट वर्क कर रहे हैं, एक बंदा एक काम कर रहा है. तो डे 1 पे 10 बंदों ने काम शुरू किया था, तो उन्होंने 10 काम किया होगा, एक छोड़ के गया, 9, 8, 17, 27, 7, 34, 34 से 40, 45, 49 और 52, इसका मतलब 52 यूनिट इन्होंने काम किया. अब इस काम को कुछ और ग्रुप के वर्कर्स कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, देखो, इफ द एफिशिएंसी ऑफ वन वुमेन इज 1/4 लेस देन 25%, यानी अगर इनकी एफिशिएंसी मैंने एक मानी तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3/4 लेस देन दैट ऑफ वन मैन एंड हाउ मेनी वुमेन, तो नंबर ऑफ वुमेन वी हैव टू फाइंड आउट. ये एफिशिएंसी कंप्लीट द ट्रिपल ऑफ द वर्क, मतलब इसका ट्रिपल काम इन डबल द टाइम. पहले कितने 8 दिन लग रहे हैं, अब कितने दिन लग रहे हैं, 16. ये बेसिकली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो मुझसे पूछ रहा था, समझ आ गई बात. देखो अब मुझे क्या बोल रहा है, देखो 4 चौके 16, 3 से कटा 3 और ये आ गया 13. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 13 वॉज द राइट आंसर. क्लियर. तो अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत नाइंसाफी है. अरे ओ सांभा, बहुत नाइंसाफी है, फिर तो कहना पड़ेगा, है ना. तो नाइंसाफी मत कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही तो इतना ही तो करना है सिर्फ. और कोई डाउट हो तो 9517771651, कितने बार नंबर बता चुका हूँ, अब तो सोते सोते भी एक बार बोलने लग जाता हूँ 9515 थी क्या हो गया. तो ऐसे नंबर आपको याद होना चाहिए, समझ आ गई बात. तो चलिए, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल द वीडियो को. चलिए चलिए, जो मैं कोर्स की बात कर रहा था स्टूडेंट्स, ये है टाइमिंग है 3 से लेकर 4:30, और ये बैच बेसिकली कितने बजे तक रहता है, ये रहता है 5 बजे तक. क्लियर. देखो वीकली क्या होता है, 4 डेज अ वीक बैच रहता है ये. क्लियर. टोटल लेक्चर मेरे पास 180+ रहते हैं. ये आपका फायदा क्या है, ये आपका लाइव बैच है, ठीक है, जो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी ले सकते हैं. क्लियर. इसमें क्या है, 90 लेक्चर्स हैं, 50 जिसमें क्वांट के हैं, 25 लॉजिकल के, और 15 इसमें इंग्लिश के लेक्चर देखने को मिल रहे हैं. प्रीवियस ईयर के कितने हैं इसमें, 15 लेक्चर. एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने हैं, 50+. लाइव मेंटरशिप के कितने हैं, 30+, ठीक है. और साथ में क्या मिल रहा है, जो मुझे पोर्टल पर लेक्चर लगा मिलेगा ना, उसके साथ 3-4 चीज़ें हैं. नंबर 1 पे क्या है, लेक्चर की PDF, जो क्लास में मैंने कराना उसकी PDF मिलेगी. नंबर 2 पे क्या है, रिसोर्सेज. कौन सा टॉपिक होता है मेरे पास, रिसोर्सेज मेरे चैप्टर का वो पार्ट होता है जिसमें क्या हो सकता है, थ्योरी होगी, समझाया होगा चैप्टर को अच्छे से. नंबर 3 पे क्या, प्रैक्टिस शीट. ठीक है. और प्रैक्टिस शीट क्या होगी, कुछ क्वेश्चन जैसे क्लास में कराए वैसे प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. क्लियर. और ये मेरा 30 मिनट जो मुझे मिल रहा है ना, इसमें मैं डिस्कस करूंगा इसको. क्लियर आगे बात. और नंबर 4 पे क्या, मेरे पास प्रैक्टिस शीट हो गया, PDF हो गया, आपके रिसोर्सेज हो गए. जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होगा उसका एक 10-20 क्वेश्चन का टेस्ट ऑलरेडी आपको अपलोडेड मिलेगा क्लास के साथ, ताकि जो आपने की है वो कितना आता नहीं आता वो आपको पता चले. उसके बाद आपका वीकली क्लास टेस्ट होता है हर संडे को, ठीक है, 1 बजे, जिसका हमें क्या मिलता है, सॉरी, उसका मुझे मिलता है वीडियो सॉल्यूशन. क्लियर. सॉरी. और ये नंबर है, इस पर आप इंक्वायरी कोई भी जनरेट कर सकते हैं. एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी कभी कभी आप ज्वाइन कर लीजिए. क्लियर. चलिए, नेक्स्ट इज माइक्रो कोर्सेज. एज यू ऑल नो कि हमें 1/3 क्वेश्चन ठीक करने हैं, हमें 1/3 क्वेश्चन ठीक करने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए. तो माइक्रो कोर्स सबसे अच्छा तरीका कैसे है मैं बताता हूँ. देखो
देखो अगर मेरे को ये पता चले कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे ईजी हो जाएगा स्टूडेंट्स, ईजी हो जाएगा, वही चीज़ अब मेरे को करनी है। देखो आप अगर बात करेंगे सिलेक्शन की, छोटे कोर्सेज, बड़े रिजल्ट, माइक्रो कोर्सेज, अपग्रेड योर स्पेसिफिक एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थ्रू अभीपीडिया माइक्रो कोर्सेज, 2100 प्लस सिलेक्शन, 12 सिलेक्शन हैं, टॉप 10, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ऑल इंडिया रैंक्स है, देयर AIR, वो कहते हैं AIR ऑल इंडिया रैंक्स, फर्स्ट रैंक इन PCS, HCS एंड HAS, क्लियर। अब देखिए जरा नेक्स्ट हमें करना है CSET, CSET के ऊपर चलते हैं, क्लियर। देखिए ये कैसा सब चीज़ में, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड अभीपीडिया माइक्रो कोर्सेज, क्लियर। देखिए सिस्टमैटिक स्टडी, फोकस्ड इंप्रूवमेंट, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, फ्रीडम ऑफ चॉइस, क्लियर। तो नेक्स्ट है मेरे पास, देखिए मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करें, देखो कोई भी आप चैप्टर चेक कर सकते हो, जैसे मैं नंबर सिस्टम को चेक करता हूँ, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, देखो 2023 में 18 क्वेश्चन, 22 में 10, 21 में 9, 20 में 15, ऐसे क्या है ये मेरे को मिल रहे हैं कि किस साल कितने क्वेश्चन आए थे इसके, क्लियर। तो अगर मैं ये खरीदना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्लिक करना है सिंपल, वैलिडिटी रहेगी इसकी 6 मंथ्स की मेरे पास, ठीक है, अच्छा नहीं पूरे 1 साल की रहेगी वैलिडिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए मेरे पास, आपको 11 लेक्चर्स मिल रहे हैं, बट वैलिडिटी का हमने करना क्या, हमें तो अभी पेपर देके क्लियर करना है। आपको क्या मिलेगा, 11 लेक्चर्स मिल रहे हैं, 10 वेब नोट्स मिल रहे हैं, 441 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल रहे हैं मुझे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, अब मैं अगर लेक्चर्स, वेब नोट्स और 441 क्वेश्चंस की बात करूँ, इन लेक्चर्स में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी है, प्लस आपकी थ्योरी भी है, शुरू के 5-6 लेक्चर्स में थ्योरी है, बाकी क्या आपके पास लेक्चर, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन है, वेब नोट्स है, वेब नोट्स क्या होते हैं मेरे पास, वेब नोट्स मेरे पास वो डाटा होता है जिसमें मैं क्या करूंगा, थ्योरी रिसोर्सेज वाला सेम काम है इसका, क्लियर। 441 MCQs, अब MCQs की बात करेंगे क्या, देखो मेरे पास अगर 441 MCQs की बात करूंगा तो सुनिए इसमें क्या है मेरे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये हर एक चैप्टर के साथ दिया हुआ है, मैं अगर बात करूं ये हर एक चैप्टर के साथ दिया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग हो चाहे वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को जरा एक बार नजर मार लें। देखो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्यों जरूरी है, आपको क्वालिफिकेशन के लिए 1/3 क्वेश्चन चाहिए, ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान देंगे तो 26-27 क्वेश्चन इंग्लिश से ही आ रहे हैं, प्लस एंटोनिम सिनोनिम, तो 440 रुपीज़ का पूरा पैकेज आपके पास, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट की मैं बात करूँ आपके पास, तो यहाँ पे क्या है, अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के, तो टीम आपसे जुड़ जाएगी अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सारे के सारे हमारे पास कोर्स हैं, चाहे वो आप 2023-24 के लिए आप क्रैश कोर्स की बात करें, ठीक है, ये आपके पास क्या 2000, ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है, ये हमारा बैच चल रहा है, ये सर के मेंटरशिप के वीडियोस हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। ये बाकी हमारे अगर आप खाली मेंटल एबिलिटी लेना चाहें, रीजनिंग इंग्लिश लेना चाहें, और ये वार्म अप कोर्स है जिसका लिंक भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लियर। ये हमारी सिलेक्शन है, जैसे स्पर्श की बात करूँ 51 अर्न 56, इन बच्चों की वजह से हम नंबर वन है, कहने से कुछ नहीं होता, बट नंबर वन वाले काम भी होने चाहिए, काम हमारे दिख रहे हैं, ये बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं आपकी तरह, ये भी एक दिन आए थे उम्मीद लेके कि हमें कुछ करना है, और ऐसा करके कहेंगे हमें भी नाज है हमारे स्टूडेंट्स, क्लियर, और इन्होंने नंबर वन बनाया, क्लियर। देखिए खुद लिखा हुआ इन्होंने, थैंक यू सो मच टू ऑल द टीम फॉर द एफर्ट्स दैट यू हैव ऑल पुट इन माय जर्नी, अर्ना बोल रहे हैं ये बात, क्लियर है। इंटरव्यू प्रिपरेशन एट अभिमन्यु अंडर बंसल सर गिव मी रियल इनसाइट विच हेल्प मी टू परफॉर्म इफेक्टिवली, और ये मुझे बोला है मिस्टर अमरिंदर सिंह ने, तो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सब तैयारी यहीं पे है, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू।